हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। आज का टॉपिक है अजीर्ण। जीर्ण मतलब होता है पाक या पचना, अजीर्ण मतलब न पचना और न पाक होना, अर्थात जो हम भोजन खाते हैं उसका न पचना अजीर्ण कहलाता है। अजीर्ण का मेन कारण होता है अग्निमंदता। अगर अग्निमंद होगी तो भोजन का पाक नहीं होगा और इससे हमें अजीर्ण रोग हो जाएगा। आजकल हम जैसे पिछला भोजन पछताने उससे अगला भोजन खा लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें अजीर्ण रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, आज हम अजीर्ण रोग के कारण, संप्राप्ति, भेद, उसके लक्षण और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी चिकित्सा, और इजी भी है तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अजीर्ण होता क्या है? खाए हुए भोजन का पूर्णतः पाक न होना अजीर्ण है। ठीक है, जो हमने भोजन खाया है उसका पाक न होना अजीर्ण है। आयुर्वेद में सभी रोगों का मूल कारण अजीर्ण को ही माना है। ठीक है, अब आते हैं इसके कारण, किन किन कारणों से हमें अजीर्ण रोग हो जाता है। अति जलपान करने से, यानी बार बार जल पीते रहने से हमारी अग्निमंद हो जाती है, जिससे हमें अजीर्ण रोग हो जाता है। विषमासन से, असातम्य भोजन से, कफ वर्धक आहार से, वेग धारण से, देश काल ऋतु वैषम्य से अजीर्ण रोग होता है। ये थे इसके कारण, किन किन कारणों से हमें अजीर्ण रोग होता है। अब बात करते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब कारण से लेकर अजीर्ण रोग की उत्पत्ति तक के साइकिल, मतलब कैसे रोग उत्पन्न हुआ उसकी प्रोसेस। सबसे पहले जैसे कारण है, कफ वर्धक कारण होते हैं मेनली अजीर्ण रोग में, क्योंकि कफ बढ़ने से हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। ठीक है, तो कारण, फिर कफ दोष का प्रकोप होता है मेनली। ठीक है, फिर जठराग्नि मंद, और फिर अग्नि मंद होगी तो अन्न का पूर्ण पाक नहीं होगा, और जिसको हम क्या कह देंगे, अजीर्ण रोग। ठीक है, ये होगी इसकी संप्राप्ति। अब आते हैं इसके भेद। आचार्य सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं, आचार्य माधवकर ने इसके 6 भेद बताए हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टम्भाजीर्ण और रस शेषाजीर्ण। ठीक है, ये 4 हो गए, और माधवकर ने इसमें इन्हीं 4ों में 2 ऐड कर दिए हैं, दिनपाकी अजीर्ण और एक प्राकृत अजीर्ण। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 4, आचार्य माधवकर ने 6। ठीक है, ये हो गए इनके भेदों के बारे में। अब इनके लक्षण, यानी हमारी बॉडी पे कौन कौन से सिम्टम आएंगे जब हमें अजीर्ण रोग हो जाएगा। एक तो विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, शरीर में गुरुता यानी भारीपन लगेगा, आफरा यानी पेट में जैसे फुलावट होती है वैसे हो जाएगी। ठीक है, अविपाक यानी भोजन का पाक नहीं होगा, अरुचि मतलब कि भोजन में रुचि नहीं होगी, छर्दी मतलब वोमिटिंग, और सिरसूल, आपने देखा होगा कई बार कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हमें सिर में सूल हो जाता है। तो ये लक्षण सभी अजीर्ण के होते हैं। अंगमर्द यानी पूरी बॉडी में एक बॉडी एक। ठीक है, ये हो गए इसके लक्षण। तो मतलब ये लक्षण आपको मिले तो समझ लेना आपको अजीर्ण है। तो हम उसको कैसे चिकित्सा करेंगे? सबसे पहले तो निदान परिवर्तन मतलब जो कारण थे इसके, उनको हम सबसे पहले त्याग देंगे। जैसे कारण क्या थे? अति जलपान, विषमासन, असातम्य आहार। ठीक है, और जो मेन कारण था जठराग्नि की मंदता, अग्नि मंद हो गई है, तो हम उसकी चिकित्सा में उस अग्नि को बढ़ाने का काम करेंगे, तो जिससे हमारी ये रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने भेद बताए थे, भेद अनुसार इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लंघन यानी उपवास, यानी उसको जब अजीर्ण रोग हो जाए तो उसको पेशेंट को खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि जो पहले बिना पचा भोजन है उसका पाक होगा तो ही अगला भोजन देंगे, इसलिए बताया इसमें लंघन। और विदग्ध अजीर्ण में वमन, जो अनपचा भोजन है उसको वमन के थ्रू यानी वोमिटिंग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और विष्टब्धा जीर्ण में क्या करेंगे? वायु का अनुलोमन। ठीक है, और सब आप और आपको पता होगा वायु के अनुलोमन के लिए बेस्ट एग्जांपल है हरित की। ठीक है, यानी हरड़, जिसे हरड़ बोलते हैं, टर्मिनेलिया चैबुला। ठीक है, और लवणोदक का पान, यानी उदक में यानी जल में लवण मिला के पान करवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए चिकित्सा के सिद्धांत, यानी इन प्रिंसिपल से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब आते हैं कुछ योग जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, जैसे अविपत्तिकर चूर्ण होता है। ठीक है, रसोन वटी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये सभी जो योग होते हैं
अग्नि को बढ़ाते हैं। और अजीर्ण का मेन कारण क्या है? अग्नि की मंदता। अगर हम अग्नि को बढ़ा देंगे तो अजीर्ण रोग अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब पंचकोल चूर्ण है, पंचकोल यानी पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। ठीक है, नागर यानी सोंठ, सुंठी, और हरित की चूर्ण उष्ण जल के साथ लेंगे, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। और इसमें जैसे अपकौ भोजन है उसके पाचन के लिए पाचन औषध, और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए दीपन। तो दीपन पाचन कौन सी बेस्ट है? आप सबको पता है चित्रक, चित्रक बेस्ट होती है दीपन और पाचन करने में। तो इसलिए हम इसमें चित्रक आदि वटिका भी प्रयोग करा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने ये देखा अजीर्ण रोग। तो अब रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अजीर्ण, खाए हुए भोजन का पूर्णतः पाक न होना, कारण क्या थे? अति जलपान, विषमासन, असतम्य भोजन यानी कफ वर्धक आहार, जिससे अग्नि मंद होगी। संप्राप्ति में कफ प्रकोप हो जाएगा, जठराग्नि मंद, और अन्न का पाक नहीं होगा, तो क्या हो गया? अजीर्ण। भेद सुश्रुत ने 4, माधव कर ने 6। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टम्बाजीर्ण और रस से सजीर्ण, ये 4 सुश्रुत के, और 2 माधव कर ने इसके एक्स्ट्रा कौन कौन से बताए हैं? दिनपाकी अजीर्ण, प्राकृत अजीर्ण। लक्षण विभंध, शरीर गौरव, अफरा, अविपाक, अरुचि, छर्दी, सिरसूल, अंगमर्द। ठीक है, चिकित्सा में हमने कौन कौन से योग देखे? लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, हरित की चूर्ण, रसोन वटी, अविपत्तिकर चूर्ण। ये इजिली मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है, जब भी आपको ये सिम्टम हो तो आप ये खरीद के उष्ण जल के साथ इनका सेवन करें तो आपको अजीर्ण रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।